वेलकम टू स्टडी आयल। जो हमारी वेब सीरीज़ का टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा चल रहा है। आज का उसका सब टॉपिक है टेम्परेचर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी तक जो दो वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने समझाया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस और जीरोथ लॉ, ये हमारा कम्प्लीट हो गया। जीरोथ लॉ में ही मैं आज लेके आऊँ आपके सामने टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर विच मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो हमारा मेजर करता है, जो रेफरेंस होता है, वो किसके द्वारा पता करते हैं? टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। तो वैसे टेम्परेचर हम अगर थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में बोलें तो कैसा होता है ये देख लीजिए। टेम्परेचर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डेट डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कैसे? जैसे मान लो मैंने मान ली दो सिस्टम मान ली, ठीक है। तो दो सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो किससे हम पता करते हैं? टेम्परेचर से पता करते हैं, ठीक है। देखो आप टेम्परेचर मेजर हम किससे करते हैं? देखो सबसे बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे ही हम क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। जीरोथ लॉ मैं बता चुका हूँ। जैसे मान ली हमने दो बॉडी हैं, दो सिस्टम है, ठीक है। वो क्या है? तीसरी बॉडी से इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देख लीजिए। देखो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीज़ें जरूरी है। एक क्या होता है? तुम्हारा रेफरेंस बॉडी होती है, एक हमें चाहिए रेफरेंस बॉडी। दूसरा चाहिए क्या? दूसरा हमें चाहिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये दोनों चीज़ होती क्या है, रेफरेंस बॉडी और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? देखिए जैसे मान लो हमने माना कि दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। ये मान लिया मैंने सिस्टम ए है और ये मान लिया मैंने सिस्टम बी है, ठीक है। अब मुझे इस सिस्टम को, जैसे मान लो ये किसी कोई प्रॉपर्टीज़ की, जैसे मान लो प्रॉपर्टी हमने मान ली एक्स और वाई प्रॉपर्टी, यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ की एक्स और वाई, ठीक है। इसकी मान ली मैंने एक्स टू बाई टू, ठीक है। अब मुझे इन दोनों सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमने क्या किया? इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाया, ठीक है। तो हमने इस बॉडी को क्या मान लिया? एक रेफरेंस बॉडी मान लिया, ठीक है। इसको हम क्या ला रहे हैं? उसके थर्मल इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, तो हमने इसको मान लिया थर्मल बॉडी, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस आएगा वो हम पता कर सकते हैं कि कितना चेंजेस आया। जिसको हम रेफरेंस बॉडी को क्या बोल सकते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें क्या होगा तुम्हारा, जैसे मैंने मान लिया वाई प्रॉपर्टी को मैंने कॉन्स्टेंट रखा, यानी कि इसकी वाई प्रॉपर्टी और उसकी वाई प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट है, लेकिन केवल क्या चेंज हो रही है? वाई एक्स टू चेंज हो रहा है एक्स वन में, ठीक है। तो वो बता रही है तुम्हारे टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, यानी कि अगर एक्स जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड टू टेम्परेचर है, यानी कि जो एक्स के चेंज में, जो एक्स में चेंज होगा वो बताएगी कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है? द चेंज इन द करेक्टरिस्टिक इंडिकेट्स चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अगर जिस प्रॉपर्टी में चेंज हो वो इंडिकेट करे टेम्परेचर चेंज में, दिस इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्मोमेट्री क्या होता है? इट डील्स विद द टेम्परेचर मेजरमेंट बाई फाइंडिंग द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फाइंड कर लेंगे, उससे हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर? इस ग्राफ के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक्स एक्सिस में हमारी एक्स प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की और इस पे वाई प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने क्या किया? इसका ग्राफ प्लॉट किया। जैसे हमने इसको रखा टी वन टेम्परेचर पे, आइसोथर्म ले लिया हमने तीन, ठीक है। और उसका टेम्परेचर जैसे मान लो एक का मान लिया टी वन, ये है टी टू, और इसका मान लिया हमने टी थ्री, ठीक है। अब क्या किया मैंने, वाई प्रॉपर्टी को मैंने तीनों की तीनों जगह कॉन्स्टेंट रखा, यानी कि वाई प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रखी मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा टी वन, जैसे ये वाला है ना टी वन टेम्परेचर पे, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? एक्स की एक्स वन थी, ठीक है। इसमें कौन सी थी? एक्स टू, और इसमें होगी तुम्हारी एक्स थ्री। ये तीन प्रॉपर्टी हैं तीनों आइसोथर्म पे, ठीक है, टी वन टी टू टी थ्री पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, एक्स वन वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है एक्स वन, और एक्स प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है? टेम्परेचर या तो एक्स का फंक्शन है, एक्स प्रॉपर्टी का फंक्शन है, और क्या हो सकता है, या एक्स
किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारी एक्स क्या प्रॉपर्टी, एक्स क्या हो जाएगी, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो हम इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं उस बॉडी का, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं उसी बेसिस पे हमारे थर्मोमीटर कैसे बने हैं, जैसे उसी बेसिस पे हमारे कितने टाइप के थर्मोमीटर हैं, थर्मोमीटर कितने टाइप के, जैसे एक हो गया हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है, जिसमें क्या होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, जिसमें हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसमें हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमारी क्या होगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। थर्मोकपल, थर्मोकपल में क्या हो गया, थर्मल ईएमएफ क्या हो गया, हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर क्या हो गया, लेंथ हो गई, जो होगी उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम एक एक करके हम इन सारे थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके लिए मुझे समझाना है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा आइडियल गैस होती क्या है, ठीक है। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आइडियल गैस का। जैसे आइडियल गैस क्या होती है, विच ऑब्वियस द गैस इक्वेशंस, ठीक है। मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आइडियल गैस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी जैसे गैसेस होती हैं, जनरली कोई आइडियल गैस तो होती नहीं है, लेकिन एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कुछ गैसेस क्या होती हैं, वो आइडियली बिहेव करती हैं, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एम आर टी, जिसमें पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस आइडियल गैस, वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, एम क्या होता है, मास ऑफ आइडियल गैस, और आर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 287 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और टी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, हमेशा याद रखना है ये किसमें होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में होता है, जैसे इन केल्विन में होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, P1V1 upon T1 equal to P2V2 upon T2, ये क्या होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन ये होगी। और इसको हम दो सिस्टम में से लिख सकते हैं, P1V1 upon T1 equal to P2V2 upon T2, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर पे, ठीक है। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे देखिए इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, और टेम्परेचर हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ, जब बेसिक बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा बी है, तो बी है क्या, बल्ब है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, गैस आइडियल गैस हम फिल करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यू ट्यूब मैनोमीटर है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। और एम क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूड है, ठीक है, जिसमें फ्लूड से हम, जैसे मरकरी हम जनरली लेते हैं, तो उससे हम मेजर करते हैं प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि हम, जैसे इसमें आइडियल गैस हम फिल करेंगे, आइडियल गैस फिल करने के बाद हम कोई एक सिस्टम लेंगे या बॉडी लेंगे, जिसको हम इसके पास लेके जाएंगे, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है। तो इसको हम पास में लेके जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी चेंज होंगी, यानी कि बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर चेंज होगा इसका, टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा इसका, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग ले रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल। जैसे कि जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखेगा ये फ्लेक्सिंग ट्यूब, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, केवल प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर हम चेंज किससे मेजर कर लेंगे, इससे जेड से मेजर कर लेंगे, रोजीएस से, ठीक है। और ये पी नॉट क्या, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, याद रखना। तो इससे हम प्रेशर मेजर कर लेंगे, प्रेशर हमारा मेजर हो गया, वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, एम आर टी कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके से हो गया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम वेरी करेंगे, और हम टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में कैसे काम करता है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ये। कैसे, जैसे हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, और दो नॉन रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, पावर दे दी, यहाँ से पावर दे दी, और हमने क्या लिया, प्लेटिनम वायर लिया। प्लेटिनम वायर क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्लेटिनम वायर क्या होता है, सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है, उसी तरीके से उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर लेते हैं। प्लेटिनम वायर को क्या किया हमने, किसी सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमें टेम्परेचर मेजर करना है, वो सिस्टम में रखा हमने,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उस रेजिस्टेंस वेरी को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारी इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम मेजर करते हैं, जैसे आर यानी कि रेजिस्टेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट ब्रैकेट वन प्लस ए टी, टी हमारा क्या टेम्परेचर है, ठीक है, प्लस वी टी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी हमारे इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और आर नॉट क्या है हमारा इसमें, आर नॉट है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट जीरो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जीरो डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस होगा वो लेंगे। ठीक है, और आर क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और आर से सॉरी इस आर में रेजिस्टेंस पता चल जाएगा वीटी स्क्वायर से, और इससे हम क्या सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्मोकपल। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, थर्मोकपल हमारा सीवेप इफेक्ट पे काम करते हैं। ये होता क्या है देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट इफ टू डिफरेंट मेटल्स यानी कि दो डिफरेंट मेटल आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट जंक्शंस एंड इफ दीज जंक्शंस आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स देन एन ईएमएफ इज जनरेटेड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है देखिए, जैसे हमने क्या किया, दो वायर लिए, ठीक है, दो वायर लिए, दोनों वायर को क्या किया हमने, अटैच कर दिया। ठीक है, और एक को रखा हमने दूसरे टेम्परेचर, एक को रखा हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे और दूसरे को रखा हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसमें क्या किया हम, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, जब हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ जनरेट से क्या कर सकते हैं, ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या हो जाएगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट इफ टू डिफरेंट मेटल्स है, दो डिफरेंट मेटल लिए आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट जंक्शंस एंड इफ दीज जंक्शंस आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, एन ई एम एफ इज जनरेटेड डेट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जो ई एम एफ जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर हम डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम जनरली थर्मोकपल यूज क्यों करते हैं, ज़्यादातर हम थर्मोकपल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या है, ये सिस्टम के जल्दी जल्द से जल्द क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई बॉडी लिया हमने तो बॉडी के इक्विलिब्रियम में बहुत जल्दी आ जाता है, यानी कि सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में हमारे इसको थर्मोकपल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हम जो जनरली दोनों वायर यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी वायर यूज़ करते हैं, जो कॉपर और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉपर और कॉन्स्टेंटन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हम इजिली मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर स्केल, यानी कि हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस स्केल में करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारी दो टाइप की स्केल हैं, वो कौन कौन सी स्केल है, एक है हमारी सेंट्रीग्रेड स्केल और दूसरी क्या है, फेरेनहाइट स्केल। जनरली सेंट्रीग्रेड स्केल बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ होती है, इंडिया भी सेंट्रीग्रेड स्केल यूज़ करता है, और फेरेनहाइट स्केल यूएसए में यूज़ होती है। ठीक है, तो दोनों स्केल किस बेसिस पे काम करती हैं, टू फिक्स पॉइंट्स के बेसिस पे काम करती हैं। कौन कौन से दो फिक्स पॉइंट हैं, एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेट इज आइस पॉइंट, एंड दूसरा है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेट इज स्टीम पॉइंट। ठीक है, दो बेसिस पे काम करती हैं, दो फिक्स पॉइंट पे काम करती हैं, एक हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। ठीक है, फेरेनहाइट में क्या होता है, 32 डिग्री फेरेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 फेरेनहाइट। हम स्केल के मेजर कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देख लीजिए, जिसका हमें मेजर करना है वो टी, जिस फॉर्म में टी आई क्या हो गया तुम्हारा आइस पॉइंट हो गया, टी एस क्या हो गया तुम्हारा स्टीम पॉइंट हो गया, और टी आई क्या हो गया आइस पॉइंट हो गया। सपोज करो जैसे हमें सेंटीग्रेड स्केल का करना है, ठीक है, टी हमें जिसका मेजर करना है तो टी माइनस टी आई क्या हो गया तुम्हारा जीरो, क्योंकि आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का। ठीक है, और स्टीम पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 100 और तुम्हारा आइस पॉइंट हो गया 0। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अगर फेरेनहाइट स्केल की, तो फेरेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ उसको माइनस करके 180, वो भी किसके इक्वल हो गया, कॉन्स्टेंट के इक्वल हो गया। यानी कि अगर हमें इन दोनों को, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है, डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको डायरेक्ट क्या करो, टी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट स्केल में रिलेशन आ गई। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केल में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, इसके बाद कोई भी हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है, द टेम्परेचर बिलो विच द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट फॉल, ठीक है, इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। तो हम क्या होता है, हमारा डिग्री सेल्सियस में हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री, ठीक है। तो हमारा केल्विन स्केल क्या हो गया, सी यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर फेरेनहाइट में क्या होता है, हमारा रैंकाइन होता है, ठीक है, रैंकाइन क्या होता है, आर इक्वल टू एफ प्लस 460। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए इनके बारे में, जो थर्मोमीटर्स हैं, देखिए आइडियल गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आइडियल गैस थर्मोमीटर हैं वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्या, जैसे डेट इज द गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस, इट डज नॉट मैटर विच गैस, बस उन्हें क्या चाहिए, जो हमारा बल्ब में हम गैस ले रहे थे, आइडियल गैस ले रहे थे, वो कोई भी गैस हो सकती है, बस शर्त यह कि वो आइडियल गैस होनी चाहिए और मैटर नहीं करता कौन सी गैस है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, बिफोर 1954 यानी कि 1954 के पहले जो टेम्परेचर मेजर करते थे वो कुछ बेसिस पे करते थे, टू रेफरेंस पॉइंट पे करते थे, कौन कौन से, एक तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, जैसे हमने डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट लिया 1954 के पहले की है, ठीक है, तो हम दो बेसिस पे करते थे, एक आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बेसिस पे करते थे, टू दो रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ते थे। लेकिन आफ्टर 1954 उसके बाद क्या हुआ, 54 के बाद कि हम द टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द सिंगल रेफरेंस पॉइंट, सिंगल रेफरेंस दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और स्टीम, सॉलिड यानी कि आइस और लिक्विड, वाटर लिक्विड और स्टीम दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम करते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं 1954 के बाद से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन, वन केल्विन की हमने डेफिनेशन लिखी है, उन्होंने इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है, वन केल्विन इक्वल टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ वन केल्विन। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आईएएस और ईएससी क्वेश्चंस जो हमारे पहले क्वेश्चन पहले कुछ फ्यू ईयर्स में आए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप क्या गलती कर रहे हैं उससे पता भी चलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन द केल्विन स्केल। स्टेटमेंट टू क्या, द केल्विन स्केल इज थर्मोमेट्रिक थर्मोडायनामिक स्केल। ये कब आया, ईएससी 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, इनमें से आपको बताना है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन द केल्विन स्केल। हाँ, केल्विन स्केल क्या होता है, हमारा जीरो डिग्री जीरो केल्विन होता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वन जीरो केल्विन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा ये सही होगी, स्टेटमेंट वन तो सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द केल्विन स्केल इज थर्मोडायनेमिक स्केल। हाँ,
केल्विन स्केल भी क्या है, थर्मोडायनामिक स्केल है, तो सेकंड भी सही है। तो हमारा कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअल ट्रूथ, सही है। स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, क्या ये एक्सप्लेनेशन है, नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन द केल्विन स्केल, इससे कुछ पता चल रहा है, द केल्विन स्केल इज थर्मोडायनामिक स्केल, इससे कुछ पता चल रहा है कि ये नेगेटिव स्केल नहीं होती है, नहीं पता चल रहा है, तो यानी कि हमारा क्या हो रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं गैस को, टिल द वॉल्यूम बिकम्स थ्री टाइम्स, जब तक वॉल्यूम थ्री टाइम्स ना हो जाए। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, क्या हो जाएगा टेम्परेचर, देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एम आर टी। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, और वी वी के एम भी कॉन्स्टेंट है इसमें और आर भी कॉन्स्टेंट है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ठीक है, अब याद रखिए कि हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट स्केल में लेना है, यानी कि टी वन और टी टू को हमें एब्सोल्यूट स्केल में लेना है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस में, तो हम इसको क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, यानी कि केल्विन कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन, 273 प्लस करेंगे इसमें तो 300 केल्विन हो गया। अब इसमें रखिए हमें क्या निकालना है, टी टू टेम्परेचर निकालना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, थ्री टाइम्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/3 इक्वल टू टी वन कितना है तुम्हारा, 300, और हमारा क्या निकालना है, हमें टी टू निकालना है, तो टी टू, टी टू कितना आ गया आपका, 900, लेकिन 900 किस में है, केल्विन में, याद रखना 900 किस में है, केल्विन में है। ठीक है, यहाँ पे ये मत करना कि 900 आपने देखा ऑप्शन में है तो लगा दिए अभी, लेकिन इस ये किस में, केल्विन में है, तो हमें इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि सारे के सारे आंसर किस में दिए गए, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, -273 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 627, यानी कि सी आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, पढ़िए, द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डेट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर मैंने अभी बताया किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखिए, एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखिए, हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या चाहिए, हमें आइडियल गैस चाहिए, और आइडियल गैस हमें क्या मिलती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो हमारा ए ए बी तो गलत हो गया, बी और डी तो गलत हो गया, हाई प्रेशर लिखा है, तो हमारा ए और सी में से कोई होगा। अब इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, और हमारी इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल टू एम आर टी होती है हमारी इक्वेशन, और इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ, एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर, ऐसा होता है नहीं, इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो ये तुम्हारा नहीं होगा। अब हमारा बचा कौन सा, सी, तो देखिए, एट लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, हाँ होता है, देखिए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगी आंसर देने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये 2007 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये देखिए, मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि ये क्या दिए गए, टाइप ऑफ थर्मोमीटर दिए गए, लिस्ट टू क्या दिए, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दी गई है, लिस्ट टू में क्या दी गई है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। ठीक है, उसकी ओर से अकॉर्डिंग हमें आंसर देना,
सबसे पहले क्या है, मरकरी इन द ग्लास। मरकरी इन द ग्लास में क्या होता है, हमारा लेंथ हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोई भी ऑप्शन में लेंथ नहीं है, तो हम पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं, अभी हम नहीं देखते पहले ऑप्शन को, ठीक है। दूसरा देखते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल किस पे, कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये हमारे करता है ईएमएफ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, ईएमएफ पे करता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे, ठीक है। तो हमारा बी का कौन सा हो गया, इसको हम लिख देते हैं बी, ठीक है। फोर्थ का, बी का फोर्थ, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, यानी कि सी और बी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा या ए होगा या डी होगा, ठीक है। सी वाला देखते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे काम करता है, प्रेशर तो कम नहीं करता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो सी का क्या होगा, सेकंड होगा, यानी कि इसमें क्या है, ए और डी आ रहा है, ठीक है, तो सी का हमारा सेकंड ही होगा। लास्ट के डी में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस पे कौन सा काम करता है, प्रेशर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर होता है, यानी कि डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट किस में है, केवल डी में है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि मरकरी इन ग्लास का क्या है, वॉल्यूम है, तो सही है, लेंथ के हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो हमारा उन्होंने डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया, तो ये भी गलत नहीं है, तो हमारा क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड वन केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर स्केल। मैंने अभी आपको बताया, ये कब आया था, ESC 2004 में आया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉट, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन न्यू टेम्परेचर स्केल से थीटा द बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर एट वन एटमोस्फियर आर 100 थीटा एंड 300 थीटा रिस्पेक्टिवली, कोरिलेट दिस स्केल विद सेंटीग्रेड स्केल, द रीडिंग ऑफ द 0 थीटा ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एक हमें कोई नई स्केल बनाई है इन्होंने, जिसमें इसका कह दिया फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया हमें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, तो उसको हमें रीड करना है सेंटीग्रेड स्केल से। तो हमारा हमारे इक्वेशन क्या होती है, टेम्परेचर फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट पर टी माइनस टी आइस पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस टी आई, यानी कि आइस पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा के रिलेशन में निकालनी है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, थीटा, तो हमें थीटा के रिलेशन में माइनस टी आई, यानी कि क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया हमें, 100 दिया गया, फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया हमें 300, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया 300 थीटा, और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट 300 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो गया तुम्हारा, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट कितना दिया गया हमें 100, यानी कि बॉइलिंग कितना दिया गया तुम्हें 100, बॉइलिंग, ये बॉइलिंग 100 दिया गया, 100 माइनस 300, वो किसके इक्वल बताना है, सेंटीग्रेड स्केल के इक्वल बताना है, तो सेंटीग्रेड स्केल को हमने क्या ले लिया, सी ले लिया यहाँ पे, माइनस आइस पॉइंट क्या होता है सेंटीग्रेड स्केल में 0, और स्टीम पॉइंट क्या होता है 100, 100 माइनस 0, तो 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा थीटा कितना लेना है, 0 पर देखना है, यानी कि द रीडिंग ऑफ 0 थीटा ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, तो हमने क्या लिया, 0 ले लिया, थीटा में 0 ले लिया, तो हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, माइनस 300 डिवाइडेड बाई माइनस 200, ठीक है, माइनस 200 आ गया, इक्वल टू सी बाई 100, सी बाई 100, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 150 आएगा, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 150 आएगा, तो यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, डी, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम कोई भी स्केल को किसी भी स्केल के साथ रिलेट कर सकते हैं, बस उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए और वाटर का उस स्केल में, और
बॉइलिंग पॉइंट बताना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन निकाल सकते हैं दो स्केल्स में, ठीक है। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रोल मास सिस्टम एंड अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम एट अ स्टडी स्टेट व्हेन द अमाउंट ऑफ मास इन द सिस्टम इन बोथ द केसेस रिमेन्स इनवेरिएंट विद टाइम, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, कंट्रोल मास सिस्टम हमारा क्या था, कंट्रोल मास सिस्टम क्या था हमारा, जिसमें आइडेंटिटी और मास ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्या था हमारा, जिसमें क्या था, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे लेकिन हमारा मास और आइडेंटिटी वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें अगर दोनों मास हमारा क्या है, इनवेरिएंट विद टाइम, यानी कि मास वेरी नहीं कर रहा दोनों केस में, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंस कैसे बताएंगे। तो उनके लिए हमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल मास सिस्टम में क्या होता है, आइडेंटिटी फिक्स्ड रहती है, यानी कि आइडेंटिटी हम चेंज नहीं करते। मतलब कोई भी एक सिस्टम है उसमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारे हो गए वो सेम रहते हैं, यानी कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में क्या सकता है, आइडेंटिटी फिक्स नहीं रहती, यानी कि मास कॉन्स्टेंट है लेकिन आइडेंटिटी क्या कर सकती है, कोई दूसरी आइडेंटिटी आके उसको रिप्लेस कर सकती है और मास कॉन्स्टेंट रख सकती है। यानी कि हमारी इसमें आइडेंटिटी वेरी कर सकती है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में, और लेकिन कंट्रोल मास सिस्टम में हमारी आइडेंटिटी फिक्स्ड रहती है। तो इस बेसिस पे हम इसका डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस टू टेक प्लेस। सबसे पहले क्या होता है, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको समझाया था। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस वो होता है कि हम अगर छोटे छोटे बहुत स्लोली जो प्रोसेस काम कर रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम में हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ रही है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक इक्विलिब्रियम में आ रही है छोटे छोटे में, तो उसे क्या होते हैं, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस करते हैं। तो उस क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्लो होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, डिसिपेशन फ्री होना चाहिए, डिसिपेशन फ्री मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हिस्टीरेसिस लॉस नहीं होना चाहिए, इस तरीके के कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा क्या है वो क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी आइडियल गैस पे आएगी, आइडियल गैस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मुझे कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए मैं इस वीडियो में कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ आपके लिए, इसमें जस्ट मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो वो मैंने आपको डाला था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।